16 multiply by 2 to the power n plus 1 minus 4 multiply 2 to the power n upon 16 multiply 2 to the power n plus 2 minus 2 multiply 2 to the power n plus 2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, तो 16 की जगह लिख लेंगे 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 1 माइनस 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर n अपॉन 16 को हमने बताया था लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 एंड ये 2 टू द पावर n हो जाएगा एंड 2 टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर 1 टू द पावर n मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2। बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सेम बेस है हमारा, पावर डिफरेंट है तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं। तो 2 टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर 1 बेस सेम है, 2 है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, ये बचा 2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर n, बेस सेम है अगेन 2 टू द पावर 4 प्लस 2 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 टू द पावर n माइनस बेस सेम है 2 टू द पावर 3 हो जाएगा 2 टू द पावर n 2 टू द पावर 2 एंड ऊपर से 2 टू द पावर 2 एंड 2 n 2 टू द पावर n कॉमन ले लेंगे हम, 2 टू द पावर 2 को कॉमन ले मल्टीप्लाई 2 टू द पावर n कॉमन ले तो अंदर बच जाएगा 2 टू द पावर 3 माइनस 1 एंड नीचे से हम कॉमन ले लेंगे 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर n नीचे बच जाएगा 2 टू द पावर 3 माइनस 1 2 टू द पावर 3 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 टू द पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2 टू द पावर 2 अपॉन 2 टू द पावर 3। अब हम 2 टू द पावर 2 अपॉन 2 टू द पावर 3 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 माइनस 1, इसको हम डिवाइड में ले सकते हैं। पावर जब बेस सही हो सेम होता है तो पावर डिवाइड में होती है तो पावर हम माइनस कर लेते हैं। आइडेंटिटी यूज़ होती है हमारी, ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 2 माइनस 3, 2 टू द पावर 2 माइनस 3 लिख सकते हैं माइनस 1, और माइनस 1 किसी की पावर होती है तो उसको हम अपॉन में लिख सकते हैं लिख लेते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा 1 बाई 2 हमारा।